हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीरियल से रिलेटेड। जो भी आरटीआई का रिप्लाई है उसके थ्रू वैकेंसी कितनी आपकी डिक्लेयर हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और पूरा ये आरटीआई का रिप्लाई ही मैं बताऊंगा आपको, अलग से कुछ भी मैं ऐड करके आपको नहीं बताने वाला हूँ। कितना वैकेंसी आ चुका है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि आपकी कितनी वैकेंसी आपको मिलने वाली है, वो सब पे बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है प्यारे विद्यार्थियों कि आप अब तक के सबसे बड़े ऑफर का लाभ उठा सकते हो। 40% ऑफ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए अपनी तैयारी यहाँ से आप कर सकते हो। पीएम वाइड डिस्काउंट कोड यूज कर लेना, ये सभी कैटेगरी के लिए वैलिड है। तो हम लोग आते हैं अपने आरटीआई की थ्रू जो भी चीज़ें हमें जानकारी मिली हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू जो चीज़ें हमें यहाँ पे पता चली हैं वो पूरा मैंने आपको यहाँ पे डाटा वाइज बता के यहाँ पे लिखा हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूँ स्टेट सीजल 2022 में कितनी वैकेंसी थी, सीजल 2023 में अब तक कितनी वैकेंसी जो है वो ये दे दी गई है कि इतनी वैकेंसी इस बार स्पोर्ट्स पे रहेगी। हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ जाए, कम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया की वैकेंसी है, नॉर्थ इंडिया में जितने भी जीएसटी या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो दो सीजल 2022 में 78 थी, लेकिन ये सीजल 2023 में 100 वैकेंसी अब तक ये आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू हमें पता चला है। जिसमें कि यूआर की 43, ओबीसी 30, ईडब्ल्यूएस 9, एससी 13 और एसटी 5। ठीक है, वैसे ही अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो ये सीजल 2022 में 34 वैकेंसी थी, लेकिन सीजल 2023 में अब तक इसकी कोई जानकारी नहीं है, अब तक इस पे कोई भी बात नहीं हुई है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं भोपाल रीजन की तो ये सीजीएल 2022 में ये 24 वैकेंसी थी, लेकिन यहाँ पे अब तक कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन मुंबई का अभी हाल फिलहाल में मैं बात करूं, अगर प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका 9 मार्च को एक आरटीआई का रिप्लाई आया था मुंबई की में जो जीएसटी और एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, सीजीएल 2022 में ये 406 वैकेंसी थी, लेकिन सीजीएल 2023 में ये वैकेंसी इंक्रीज होके 526 हो गई है, 526 हो चुकी है, जिसमें यूआर की 295 और ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 39, 95 आपका एसटी और 41 आपकी एससी की वैकेंसी है। दिल्ली में प्यारे विद्यार्थियों अभी सीजल 2022 में ये 4 थी, लेकिन अभी ये 49 वैकेंसी इस बार सीजल 2023 में दे दी गई है आरटीआई में एक रिप्लाई के थ्रू कि भाई इतनी वैकेंसी इस बार इस जीएसटी और एक्साइज इंस्पेक्टर की दिल्ली की में फिल की जाएगी। ठीक है, चंडीगढ़ में पहले ये 9 थी, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी नहीं है कि सीजल 2023 में कितने आने वाली है। लेकिन जयपुर में प्यारे विद्यार्थियों 7 था, लेकिन इस बार ये वैकेंसी इंक्रीज होकर 51 वैकेंसी बताई गई है, यानी कि 21 यूआर कैटेगरी में, 17 आपकी ओबीसी, बाकी 5, 6 और 2 ईडब्ल्यूएस, एसटी और एससी की। वडोदरा में 119 वैकेंसी थी 2022 में, लेकिन इस बार अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है 23 में कितने होने वाली है। बेंगलुरु में अगर मैं बात करूँ 129 और इस बार 65 है, यानी कि बेंगलुरु में इस बार कम वैकेंसी देखने को मिलेगी जीएसटी या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो मिलेगी। भुवनेश्वर में अगर मैं बात करूँ तो प्यारे विद्यार्थियों 13 थी, यहाँ पे भी 9 है, कम कर दी गई है। चेन्नई में 193, अब तो कोई भी जानकारी नहीं है। गोवा में अगर मैं बात करूँ एक्साइज या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर की, सीजल 2022 में भी कोई वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिली थी, और सीजल 2023 में भी अब तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। और बाकी प्यारे विद्यार्थियों लखनऊ वगैरह में जो अब तक जानकारी नहीं है, इसकी बहुत ही जल्दी जानकारी आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आता है मैं आपको बताता रहूँगा। गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो 36 वैकेंसी थी अभी तक सीजल 2023 के लिए, इसकी कोई भी जानकारी आप अवेलेबल नहीं है। 6 है हैदराबाद में, लेकिन इस बार देखो आप कितनी वैकेंसी है, 314, मतलब 6 से सीधे आपका 314 पहुंचा है, और ये आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू बताया गया, यानी कि ये ऑफिशियल है, इसमें आपको कोई भी चीज़ें अलग से हमें ऐड करके हमने आपको नहीं बताया। वो मैंने आपको आरटीआई का रिप्लाई नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी थी, अलग अलग रिप्लाई दिखाने में बहुत ज़्यादा समय आपका जाता है, इसीलिए मैंने पूरा एक रिप्लाई जो है वो अलग से लिख के ला दिया मैंने आपके लिए, ताकि वैकेंसी की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, रांची में अभी तो 2022 में जो 26 थे, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है अगले सीजल 23 के लिए। तिरुवनंतपुरम की अगर मैं बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों तो 64 वैकेंसी यहाँ पे थी, और इस बार ये 48 है, यानी कि यहाँ पे कम देखने के लिए वैकेंसी मिलेगी। कोलकाता में 21 थी और ये अब बढ़ के 71 हो गया, जिसमें यूआर कैटेगरी की आपकी 45, 0 ओबीसी, 13। देखो यहाँ पे 0 है ना, वो आगे वाले आने वाले समय में हो सकता है वैकेंसी इंक्रीज हो। तो आप एक नॉर्मल बात यहाँ पे सोचिए कि 113, यानी 1113 वैकेंसी थी
सीजीएल 2022 में, जबकि पूरे ये जितने भी स्टेट लिखे हुए इन सभी स्टेट्स को मिला के, और 1134 यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ चुका है केवल और केवल, जिसमें आपका प्यारे विद्यार्थी लखनऊ से कोई जानकारी नहीं है, भोपाल से कोई जानकारी नहीं है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चंडीगढ़ से कोई जानकारी नहीं है, अगर हम बात करें यहाँ पे वडोदरा से कोई जानकारी नहीं है, फिर हम अगर बात करें गोवा से, फिर गुवाहाटी से एंड रांची से भी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली कि सीजल में वैकेंसी कितनी होने वाली है जीएसटी या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर की। तो इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो वैकेंसी है वो इंक्रीज डेफिनेटली होगी। अगर हम ऐसे ही इंस्पेक्टर के अलावा बात करें, भुवनेश्वर में टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी 19 ये डिक्लेयर कर चुकी है, जो भुवनेश्वर की अभी आरटीआई का रिप्लाई आया था उसमें। गोवा में इंस्पेक्टर की 10 है और टीए की 49, यानी ये भी जो है वो कर दिया गया है। अब ये इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक्साइज की नहीं। तो गोवा में टोटल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 10 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी और जो टैक्स असिस्टेंट है इसकी 49। चेन्नई में जो पीओ की वैकेंसी है वो आपकी मिलेगी 22, ठीक है। एग्जामिनर की वैकेंसी, प्रिवेंटिव ऑफिसर है पीओ मतलब, और एग्जामिनर की 11 और आपकी जो टैक्स असिस्टेंट है उसकी 6 वैकेंसी आपको दे मिलेगी। और प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि 982 वैकेंसी मिलेगी सीएसएस एएसओ में, जिसमें एक आरटीआई में ही जब पूछा गया था कि भाई इस बार 2022 में भी इतनी ही वैकेंसी है एएसओ में, सीएसएस दिल्ली में, और 2023 के लिए जब पूछा गया था तो वहाँ पे नीचे मेंशन था कि जितनी वैकेंसी इस बार एएसओ में है उतनी दिल्ली में, उतनी ही वैकेंसी 2023 सीजन में भी देखने के लिए मिलेगी। तो ये बात क्लियर है कि 982 अगर आया तो इससे कम नहीं होने वाला है, इतनी वैकेंसी इस बार 2023 में भी मिलेगी। और ऐसे ही आप देख सकते हो कि ईए का टीए 105 कोलकाता में, ऐसे वैकेंसी आपको अगर मैं बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो ओवरऑल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ अब तक जो इंस्पेक्टर की वैकेंसी है 2300 क्लियर हो चुकी है 11 मार्च तक, कि 2300 वैकेंसी तो फिल होगी ही होगी, और टोटल वैकेंसी 2793 क्लियर हो चुकी है, कि 2023 एसएससी के लिए आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू हमें पता चल गया है कि लगभग 2800 जो वैकेंसी है वो क्लियर है, कि इतनी वैकेंसी तो आपकी होने वाली है। अब मैं बात करूं पेंडिंग में, तो 6 एक्साइज ऐसे जोन हैं जो अब तक पेंडिंग में है, 8 ऐसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाले जो जोन है वहाँ पे वैकेंसी 8, अभी 8 ऐसे जोन है जहाँ पे इनकी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई, एसओ की क्लियर नहीं हुई, पीओ और एग्जामिनर की अब तक क्लियर नहीं हुई है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार जो 37,000, और इसमें भी लिखा गया था पीएएससी की, मैं बात करूं पीएएससी की जो वैकेंसी थी प्यारे विद्यार्थियों इस बार सीजीएल 2022 में सबसे ज्यादा थी, लेकिन उसमें नीचे लिखा गया था कि अब तक आरटीआई का रिप्लाई ये आया था जो आपका जनवरी में, उसमें लिखा गया था कि अब तक पीएएससी की कोई भी वैकेंसी गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश नहीं दिया गया है कि आप भरिए, यानी कि जीरो दिखा रहा था। लेकिन आप ये मान के चलो कि पीएससी की वैकेंसी इस बार भी उतनी ही मिलेगी जितनी पिछले बार थी, उससे थोड़ा बहुत कम मिलेगा, जल्दी ही आपको इसका भी मिल जाएगा, या फिर अगर नहीं भी मिलता है तो आप ये मान के चलो कि और ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम देखें तो 2022 में जितनी वैकेंसी हो रही थी, मैक्सिमम जो एरिया है वहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज हो रही है 2023 में, और सीटें भी बहुत सारी खाली हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 2023 का जो सीजीएल का आएगा वैकेंसी जो आएगी वो लगभग बराबर होने वाली है, इक्वल होने वाली है 2022 के। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहिए, आप लोग अपनी तैयारी पे पूरा अपना 100% दीजिए। इस 100% देने से आपकी जो नौकरी है 2023 सीजीएल में, इस बार जिसका नहीं हो पाया या फिर कोई भी रीजन रहा हो, मेंस में उनका अच्छा नहीं हो पाया, प्री में उन्होंने अच्छा किया था, कुछ लोगों का प्री में नहीं हो पाया, तो उन सभी लोगों को ये होप है कि प्यारे विद्यार्थियों 2023 में आपको एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और इस वैकेंसी में अगर आप अब चाहते हो कि 2023 में नौकरी लगे, तो अपनी तैयारी आज अभी अभी से बिल्कुल अच्छे ढंग से मस्त तरीके से करते रहो, और बिना टेंशन के, बिना बर्डन के अपनी तैयारी, सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहो, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, और ये मौका है आपका, अगर आप चाहते हो अपनी तैयारी अनअकैडमी के साथ करना, तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो, 40% आपको सभी सब्सक्रिप्शन के लिए मिलने वाला है यहाँ पे। जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि आप में पहली बार 40% का ऑफ है, जिसमें इंस्टेंट आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप PMYT डिस्काउंट कोड यूज करोगे। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें और भी आपको मिल जाए, यहाँ पे फायदा मिल जाए। प्यारे विद्यार्थियों 24 महीने का फीस केवल और केवल 5183 रुपए, और 12 महीने का 4319 रुपए। PMYT डिस्काउंट कोड यूज करके आप यूज कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। PMYT डिस्काउंट कोड सभी कैटेगरी के लिए वैलिड है, जिसमें आपको यहाँ पे दिल्ली पुलिस का बैच मिलेगा, यहाँ पे SSC CGL 2023 जिसकी वैकेंसी की हम लोग बात कर रहे थे वो आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। फेज 11 जो कि अच्छी खासी इस बार वैकेंसी लेके आया है, वो भी आप स्टोर बेनिफिट्स का फायदा ले सकते हो आप, जिसमें एजुकेटर स्पेसिफिक कोर्स, बैच स्पेसिफिक टेस्ट और मिनी, और जो आपके
फुल लेंथ टेस्ट है, सबका फायदा ले सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स आपको यहाँ पे मिल सकता है, साथ ही अनअकैडमी से अपनी तैयारी करने के लिए PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करिए और अभी 40% जो ऑफ है उसका फायदा उठाइए और अपनी तैयारी, जो CGL 2023 वाले हैं बच्चे, जो CGL 2023 में इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी करते रहें। इस न्यूज़ से खुश होगे क्योंकि इस बार इंस्पेक्टर की वैकेंसी 22 के से ज़्यादा मिलने वाली है, तो इंस्पेक्टर बनिए, वर्दी लीजिए और अपने सपने को पूरा करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, और अपने पढ़ाई करते रहिए।